बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इस लेक्चर में हम केस नंबर 2 को देखेंगे, व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। यानी जो डिनोमिनेटर है उसके क्या है, जो फैक्टर्स है वो रिपीटेड है तो लीनियर, लेकिन वो है रिपीटेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 4.2 को देखते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं, उसी से सीखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि 4 अपॉन x प्लस 2 द होल स्क्वायर इनटू x प्लस 1। अगेन जो मेथड हमने केस नंबर 1 के लिए सीखा था एग्जैक्टली वैसे ही मेथड है, लेकिन थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे ये डिफरेंट है। सो अगेन प्रोसीजर वही सेम है, हम लिखेंगे कि लेट 4 अपॉन x प्लस 2 द होल स्क्वायर इनटू x प्लस 1 इक्वल टू। अच्छा, आपने क्या करना है कि a अपॉन, चूंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो जो रिपीटेड टर्म है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, x प्लस 2। नो वरीज, हमने क्या करना है कि a अपॉन x प्लस 2, ठीक है, फिर प्लस b अपॉन x प्लस 2 the whole square, ठीक है। अब for example फर्ज कर ले, अगर यहां पे जो है power 2 के बजाय power 3 होता तो मैं यहां पे जो है c upon x plus 2 the whole cube लिखता, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है बढ़ाता जाता, ठीक है। So खैर, यहां पे चूंकि हमारे पास x plus 2 है तो मैंने सिर्फ x plus 2 the whole square तक ही कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे अगले वाले फैक्टर पे जो कि हमारे पास है x plus 1। तो मैं लिखूंगा c अपॉन x प्लस 1। ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1, जिस तरह हमने लास्ट केस में देखा था। सो उसके बाद हम करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। एलसीएम हमारे पास है x प्लस 2 द होल स्क्वायर इनटू x प्लस 1। सो x प्लस 2 द होल स्क्वायर इनटू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन x प्लस 2 द होल स्क्वायर इनटू x प्लस 1 इक्वल टू। राइट हैंड साइड में क्या होगा कि एलसीएम इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम लिखेंगे कि x प्लस 2 the whole square into x plus 1 multiplied by a upon x plus 2 plus x plus 2 the whole square into x plus 1 multiplied by b upon x plus 2 the whole square plus x plus 2 the whole square into x plus 1 multiplied by c upon x plus 1। Now अगर हम यहां पे देख ले, so कुछ चीजें हैं जो कि आपस में कैंसिल हो रहे हैं, लाइक x plus 2 the whole square जो है कैंसिल हो जाएगा, x plus 1 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे जो है x plus 2 कैंसिल हो जाएगा किस चीज के साथ, एक x plus 2 के साथ, एक जो है अभी तक बचा हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहां पे जो है x plus 2 the whole square जो है x plus 2 the whole square के साथ कैंसिल होगा, यहां पे जो है x plus 1 x plus 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा 4 is equal to x plus 2, एक बचा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x plus 1 into a plus, यहां पे जो है हमारे पास बचा हुआ है x plus 1 into b plus, उसके बाद हमारे पास बचा हुआ है x plus 2 the whole square into c। ये हमारे पास बन जाएगा equation number 2। Now हमने क्या करना है कि चूंकि हमने a b c की value find करनी है, तो हम पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे कि put x is equal to x plus 2 is equal to 0। हमने क्या करना है, हम लिखेंगे put, अगर x plus 2
इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, तो x प्लस टू इस तरफ आएगा तो माइनस टू बन जाएगा, आपके पास होगा माइनस टू, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। इक्वेशन नंबर टू हमारे सामने है तो हम लिखेंगे फोर x की जगह पर माइनस टू पुट करना है, सो हम लिखेंगे माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस वन इंटू ए प्लस माइनस टू प्लस वन इंटू बी प्लस माइनस टू प्लस टू द होल स्क्वायर इंटू सी। फोर माइनस टू प्लस टू जो है वो कैंसिल कर लेंगे, जीरो बन जाएगा, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज जीरो, तो जीरो ए बन जाएगा, ठीक है। या मैं इसको डायरेक्टली अगर फॉर एग्जांपल जीरो कर लूं, प्लस माइनस टू सॉरी प्लस ए, माइनस टू प्लस ए इज माइनस वन, माइनस वन बी प्लस माइनस टू माइनस माइनस टू प्लस टू कैंसिल कर लेंगे तो जीरो बच जाएगा आपके पास, जीरो मल्टीप्लाई सी इज जीरो। नाउ फोर इज इक्वल टू माइनस वन बी या माइनस बी, और बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस फोर, बी इज इक्वल टू माइनस फोर। उसके बाद हम आएंगे दूसरे वाले पे, यानी हमने क्या करना है कि अब बारी है किसी की कि x प्लस टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, बल्कि हमने क्या करना है कि जो लीनियर टर्म्स है उसको सिर्फ करना होगा, ठीक है। हम जो क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगे उसका इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते, हम जो लीनियर टर्म्स है सिर्फ उन्हीं का करेंगे, हम करेंगे x प्लस वन को हमने अभी क्या करना है इक्वल टू जीरो करना है, तो हम लिखेंगे पुट, चूंकि x प्लस वन को हम इक्वल टू जीरो करना चाह रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस वन, सो पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू हमारे पास है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू है, तो हमारे पास आएगा फोर इक्वल टू माइनस वन प्लस टू माइनस वन प्लस वन ए प्लस माइनस वन प्लस वन बी प्लस माइनस वन प्लस टू द होल स्क्वायर सी, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया कि इक्वेशन नंबर टू में हमने x की जगह पर माइनस वन पुट कर लिया, सो हमारे पास बनेगा फोर इक्वल टू माइनस वन प्लस टू इज वन, लेकिन माइनस वन प्लस वन चूंकि कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास जीरो आ जाएगा, तो ये पूरा क्या हुआ जीरो बन जाएगा। इसी तरह माइनस वन प्लस वन जो है वो जीरो कर लेगा, तो ये आपके पास पूरा जो है वो कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। सो हमारे पास आएगा जीरो प्लस जीरो प्लस माइनस वन प्लस टू इज वन, वन का स्क्वायर वन, ठीक है, वन मल्टीप्लाई बाय सी इज सी, सो हमारे पास आएगा सी इज इक्वल टू फोर, या आप ये कह के फोर इज इक्वल टू सी है तो और कर ले और सी इज इक्वल टू फोर। अब चूंकि इक्वेशन नंबर वन में मजीद हमारे पास जो है कोई नॉन रिपीटेड या कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म रह गया जो कि क्या है क्वाड्रेटिक है, यानी उसके ऊपर स्क्वायर है रिपीटेड है, सो हम अभी तक हम क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स है तीन और हमने अभी तक फाइंड किए हुए हैं सिर्फ दो को, बी सी को फाइंड किया हुआ है, सो ए को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा बी चेंज हो रहा है केस नंबर वन से, हमने क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर टू है इक्वेशन नंबर टू को हम मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि हमने ये जो ब्रैकेट्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब को फुली सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। सो मैं इक्वेशन नंबर टू को यहां से कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर टू को मैंने यहां से कॉपी कर लिया। नाउ हम लिखेंगे कि बल्कि मैं किसी और कलर से इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूं, फाइन, हम लिखेंगे
कि बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर टू बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर टू, बल्कि आप बाय बेशक ना लिख ले, आप लिखिए सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर टू। तो क्या करना है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो हमारे पास आएगा 4 इक्वल टू, यहाँ पे जो है हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सारे मल्टीप्लाई होंगे x x के साथ, फिर x जो है 1 के साथ, फिर 2x के साथ, फिर 2 जो है वो 1 के साथ। सो x जब x के साथ होगा तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर, फिर उसके बाद x 1 के साथ तो x, फिर 2x के साथ तो आपके पास आएगा 2x, देन 2 1 के साथ तो आपके पास क्या आएगा 2। ये दोनों ब्रैकेट आपने मल्टीप्लाई कर लिए, बाहर a लिखा हुआ है, सो a को हम लिखेंगे प्लस, नाउ b जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 के साथ, सो बी एक्स प्लस बी वन जा बी प्लस, ये x प्लस 2 द होल स्क्वायर है, बेसिकली a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस 2ab, सो ये आपके पास बन जाएगा 4x इंटू सी। सो 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x जो है 3x प्लस 2 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट के साथ, तो आपके पास आएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4cx। नाउ मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, चूंकि a जो है अभी तक बाकी है, ये वाला ब्रैकेट बाकी है अभी तक, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b प्लस cx स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4cx। अब इक्वेशन नंबर 2 को चूंकि हमने फुली सिंप्लीफाई कर दी, अब हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उसको कहते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट क्या चीज है, हम इसको देखेंगे अभी। सो हम लिखेंगे कि बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, किस किस के कोएफिशिएंट को करना है, सबसे पहले देखो हाईएस्ट पावर क्या है यहां पे, एक्स स्क्वेयर, सो हम पहले लिखेंगे एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स का मतलब ये है कि आप ये देखोगे कि एक्स स्क्वेयर जो है वो राइट हैंड साइड पे कहां कहां पे है और लेफ्ट हैंड साइड पे किस किस के पास हाईएस्ट पावर यानी एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में चूंकि ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसके पास जिसका जो वेरिएबल हो वो क्या हो, एक्स स्क्वेयर हो, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स है एक्स स्क्वेयर के वो क्या है, ए, उसके अलावा जो है क्या है, सी। सो हम लिखेंगे ए प्लस सी, ए प्लस सी। सपोज कर ले अगर यहां पे जो है हमारे पास होता 3x² प्लस 4 होता, सपोज कर ले, तो चूंकि यहां पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 3, तो मैं यहां पे जो है 0 के बजाय क्या लिखता, 3 लिख लेता, ठीक है। लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है कोई भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, 0 बन जाएगा। नाउ हमारे पास चूंकि c की वैल्यू मौजूद है, c की वैल्यू हमारे पास है 4, सो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, ठीक है, c की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास बनेगा 0 इक्वल टू a प्लस c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 प्लस 4 है राइट लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 4, और हम ये भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस 4। अब चूंकि हमारे पास a b c की वैल्यूज जो है वो आ गए, सो फाइंड हो गए, सो हमने क्या करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1,
putting the values of A, B, and C in equation number 1. Equation number 1 जो है, again मैं वहां से copy करके यहां पर लिखता हूं ताकि easily हम उसमें values को put कर ले A, B, C की. So equation number 1 को मैंने copy कर लिया यहां से. ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1. सो हमारे पास आएगा 4 अपॉन x प्लस 2 दी होल स्क्वायर इनटू x प्लस 1 a. ये हमारे पास है माइनस 4, अभी हमने फाइंड कर लिया था. सो हम लिखेंगे माइनस 4 अपॉन x प्लस 2, फिर प्लस बी. बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, माइनस 4, और सी की वैल्यू जो है 4 है. सो हम लिखेंगे माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 दी होल स्क्वायर प्लस सी जो कि हमारे पास क्या है, 4 अपॉन एक्स प्लस 1. थोड़ा सा एक स्टेप मजीद करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 अपॉन x plus 2 the whole square into x plus 1 equal to minus 4 upon x plus 2. ये जो plus minus है ये क्या बन जाएगा, minus 4 upon x plus 2 the whole square plus 4 upon x plus 1. यही हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आंसर आ गया. हमने क्या कर लिया कि एक फ्रैक्शन था, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर्स में जो है रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर्स थे, यानी केस 2 के जो एक फ्रैक्शन था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया अपने पार्शियल फ्रैक्शंस में.